कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अनुराग जायसवाल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल के एसीएल ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं यूनिट 5 फार्माकोग्नोसी की, जो कि हमारे इसमें प्लांट प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ने हैं, यानी ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो हमारे प्लांट से मिलते हैं और जिसका हम लोग मेडिसिनल यूज़ करते हैं। तो ढेर सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, ये शुरुआत है आपके असली फार्माकोग्नोसी की, क्योंकि इस चैप्टर में आप जो पढ़ेंगे ना ड्रग्स के बारे में, उसका बायोलॉजिकल सोर्स, उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, उसका मॉर्फोलॉजिकल फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, उसका यूज, यही सब आपको आने वाले साल में यानी आने वाले सेमेस्टर में जितने भी कोग्नोसी आप पढ़ेंगे आपको वही सब डिटेल में पढ़ना। तो ये बस एक शुरुआत है, इस 5वें यूनिट से आप समझिए कि आप कोग्नोसी के अगले स्टेप पर पहुँच चुके हैं और जितना भी जनरल आपने कोग्नोसी पढ़ना था आपने यूनिट 4 तक पढ़ लिया। तो एक और शिकायत रहती थी बच्चों को मुझसे कि मैं बहुत तेज़ बोलता हूँ एक्चुअल में, तो मैं आज कोशिश करूँगा कि मैं बहुत धीरे पढ़ा करके, मतलब शांति से पढ़ा करके मैं आपको ये चीज़ें समझाऊँ, कोशिश करता हूँ मैं। एक्चुअली हर काम बहुत जल्दी करने की मुझे आदत है बचपन से ही, मैं हर एक 24 घंटे को मैं सोचता हूँ मैं किससे कितना ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकूँ, कितना ज़्यादा मैं काम कर सकूँ, इसलिए थोड़ी स्पीड मेरी हर चीज़ की बहुत तेज़ है, बोलने की, पढ़ाने की, खाने की, चलने की, नहाने की। तो कोशिश करता हूँ थोड़ा सा विराम दूँ और आपको समझाऊँ प्यार से, ठीक है। तो प्लांट प्रोडक्ट्स में आज हम बात करने जा रहे हैं जो है हमारे सिलेबस का फाइबर्स, पहला है फाइबर। आप जानते हैं फ्रेंड क्या होता है कि रेशेदार जो पदार्थ होते हैं ना, जैसे आपने कभी सुतली देखा होगा, रस्सी देखा होगा, वो सब क्या है, पतले पतले धागे जो हैं वो सब फाइबर है। जितने भी आपने धागे देखे वो सब क्या है, फाइबर है। तो फाइबर हमें जो बेसिकली मिलते हैं वो प्लांट से भी मिलते हैं और एनिमल से भी मिलते हैं। तो हम प्लांट से मिलने वाले फाइबर्स की आज हम बात करने जा रहे हैं। तो कुछ इस पर क्या है, आपको डेफिनेशन है कि टिश्यू कंपोज्ड ऑफ स्पिंडल शेप्ड और इलॉन्गेटेड थिक वॉल्ड सेल with pointed ends, cell wall of which consist of cellulose, not contain lignin. They are called fiber. Fibers क्या होते हैं, फिर इसको समझिए इस तरह से कि किसी भी टिश्यू, प्लांट के टिश्यू में ऐसे सेल जो लंबे होते हैं, ऐसे स्पिंडल शेप होते हैं, इलांगेटेड होते हैं, थिक होते हैं, और इसके जो किनारे होते हैं वो पॉइंटेड यानी पतले होते हैं, और इसके साथ साथ इसके सेल में सेलुलोज होता है, लिग्निन नहीं होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये कहा जाता है इसको फाइबर के बारे में। आगे बात करते हैं जो फाइबर्स होते हैं वो डेवलप कैसे होते हैं। फाइबर्स डेवलप्ड फ्रॉम सिंगल सेल, यानी प्लांट के अंदर ये सिंगल सेल से ही डेवलप्ड होते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, कुछ ज़्यादा ही स्लो हो रहा है, हाँ चलिए ठीक है। दे आर यूनिसेलुलर इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, सिंगल सेल से बने होते हैं। ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पीरियड द टिप्स ऑफ इलांगेटेड, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब भी ग्रोथ होता है तो उनका जो टिप होता है ना वही लंबा होता रहता है धीरे धीरे, जिससे इनके फाइबर की जो साइज़ होती है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, इलांगेशन उसमें होता रहता है, ठीक है। बाकी बात करते हैं कि हम देखा जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ टिशू के बेसिस पे फाइबर बेसिकली तीन प्रकार होते हैं, एक होता है पेरीसाइक्लिक फाइबर, दूसरा फ्लोएम फाइबर, तीसरा जाइलम फाइबर। आपको पता है ये तीनों प्लांट के पार्ट हैं। आपको वैस्कुलर बंडल अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि वैस्कुलर बंडल में जिसको संवहन ऊतक कहते हैं, तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, जाइलम, फ्लोएम और उसके साथ साथ उसमें पेरीसाइकल्स और पिथ होते हैं। तो उसी के अलग अलग जिस पार्ट से उसका डेवलपमेंट हुआ है उसी के बेसिस पे फाइबर को डिवाइड किया गया है, पेरीसाइक्लिक फाइबर, फ्लोएम फाइबर एंड जाइलम फाइबर। तो पेरीसाइकल फाइबर क्या होता है, ये आपके वैस्कुलर बंडल के पेरीसाइकल रीजन से डेवलप होता है, फ्लोएम फाइबर फ्लोएम रीजन से डेवलप होता है, और जाइलम फाइबर जाइलम रीजन से डेवलप होता है, जो पता ही है। क्लासिफिकेशन किया जाए तो फाइबर्स को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं फ्रेंड, एक नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल। देखिए नेचुरल क्या होता है कि जो हमें बेसिकली डायरेक्ट प्लांट से मिले या एनिमल से मिले या किसी भी और एनिमल से, मिनरल से मिले, जैसे कि पहाड़ों से, मिट्टियों से कोई कंपाउंड मिल रहे हैं उससे हमने, जैसे आप देखे होंगे सोने का तार, चांदी का तार होता है ना, बड़े बड़े सिल्वर के तार होते हैं, वो सब क्या, वो मिनरल से मिले हुए हैं। तो कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जो हमें नेचुरली मिलते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम लोग खुद बनाते हैं, उनको आर्टिफिशियल कहते हैं। तो नेचुरल फाइबर को डिवाइड किया गया है प्लांट ओरिजिन, एनिमल ओरिजिन और मिनरल ओरिजिन, ठीक है। जो प्लांट से मिले वो प्लांट ओरिजिन है, जैसे कि कॉटन है, जूट है, हेम्प है, बनाना है, फ्लैक्स है, और कुछ ऐसे होते हैं जो एनिमल से मिलते हैं, जैसे कि वूल, आप देखें जो ऊन होता है हमारा, जिस ऊन की स्वेटर पहनते हैं हम लोग, वो किससे मिलता है, भेड़ी से मिलता है ना, भेड़ से, तो वो है। और हमको पता है कि सिल्क कहाँ से मिलता है, जो बनारस की साड़ियाँ फेमस है सिल्क की, वो किसकी होती है, वो जो हमारे सिल्क वाला जो हमारा रेशम का कीड़ा होता है उससे मिलता है। और मिनरल में हमारे जैसे ग्लास है, एस्बेस्टस है। आर्टिफिशियल में बात की जाए तो आर्टिफिशियल में भी होता है रिजनरेटेड और सिंथेटिक, उसमें भी अलग अलग है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के अलग अलग पार्ट्स हैं, ये सब हम लोग अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, तीन हमको पढ़ना है सिलेबस के हिसाब से, तीन के फाइबर के बारे में पढ़ना है, उस फाइबर का पूरा डिटेल कि कैसे होता है, कहाँ से बनाया जाता है, उसका बायोलॉजिकल सोर्स, उसका डिटेल।
तो वो तीन फाइबर्स फ्रेंड कौन कौन से, वो कॉटन है, हेम्प है और जूट है। तीनों आपने देखा है, मैं आपको तीनों एग्जाम्पल दूंगा। कॉटन आप जानते हैं क्या होता है, रुई जो होता है ना, जो आपको गॉसिपियम स्पीसीज के प्लांट्स मिलता है, आपने कहाँ कहाँ देखा होगा, आपने रजाई गद्दे के अंदर भरा हुआ रुई देखा है, आपने हॉस्पिटल में जाते हैं तो जो पेशेंट का बैंडेज करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, वहाँ पर आपने रुई देखा है, कॉटन देखा है। इसके साथ साथ आपको दहेज में जो गद्दा मिलता है, तकिया मिलता है, सोफ़ा मिलता है, उसके अंदर भी कॉटन है। आजकल तो सिंथेटिक आ गया है, ठीक है। और दहेज की बात मैंने इसलिए की कि समय आ गया है आप लोग के शादी का, ठीक है। आगे बात करते हैं तो कॉटन देखा जाए, इसका सिनोनिम क्या होता है, इसको रॉ कॉटन के नाम से बुलाते हैं, सर्जिकल कॉटन भी कहते हैं, प्योरीफाइड कॉटन भी कहते हैं। तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है कि ये बेसिकली जो रूट, जो सीड है, मतलब प्लांट है आपका, गॉसिपियम हर्बरेस या गॉसिपियम बारबाडेंसिस या गॉसिपियम हिरिस्टम या गॉसिपियम हर्बेसियम, ये चार स्पीसीज के प्लांट से उनका जो सीड होता है ना, सीड बीज, तो बीज के ऊपर आपने देखा होगा कि पतले पतले रोएं होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ट्राइकोम्स बोलते हैं। तो उनके सीड के जो ट्राइकोम्स हेयर होते हैं, हम उनसे बेसिकली इसको ऑब्टेन करते हैं, फैमिली होती है मालवेसी, ठीक है। चलिए कॉटन की बात करें तो कॉटन जो होता है वो प्योरीफाइड या अब्जॉर्बेंट कॉटन जो होता है उसमें ट्राइकोम्स होते हैं, और उसमें क्या होता है, उसमें कुछ ट्राइकोम के साथ साथ फैटी मैटर्स, एडहेरिंग इम्प्योरिटीज़ और ब्लीच्ड और स्टरलाइज भी तरह के अलग अलग उसमें मटेरियल मिले होते हैं। जियोग्राफिकल सोर्स देखा जाए तो पूरे विश्व में ये कहाँ कहाँ पे होते हैं, बेसिकली USA, इजिप्ट, इंडिया, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, इन देशों से ये ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है, और इसी देशों से पारे बाकी के देशों में ये सप्लाई किए जाते हैं। आरती शुरू हो गई है, घंटियों की आवाज़ आपको आ रही होगी, मन पवित्र हो जाएगा आपका, ठीक है। ये कुछ देखिए आपको कॉटन दिखते कैसे होते हैं। अब बात करते हैं कॉटन को प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो कॉटन कैसे बनाते हैं। आपने देखा होगा कोई प्लांट, आपने देखा होगा कॉटन का प्लांट, कितने लोगों ने देखा है, अगर आपने देखा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, अपनी हाजिरी लगाइए कि हाँ सर मैंने देखा है। तो जो कॉटन प्लांट में आप देखा होगा, जब कॉटन सूख जाता है उसको बॉल्स को तोड़ लेते हैं, और उसके बॉल को तोड़ने के बाद उसमें से जितने भी कॉटन के हेयर होते हैं उसको निकाल लेते हैं, क्योंकि उसके हेयर के अंदर सीड्स भी होते हैं, उसको पड़े रहने दो, उसको हेयर्स को निकालो। उसके बाद क्या करते हो, दूसरे स्टेप में सारे हेयर को कलेक्ट करिए, ड्राई कर ले, ग्राइंड करने के बाद क्या करते हैं, उसको हम थोड़ा सा प्रेस करते हैं, और उसमें से जितने भी सीड हम निकाल सकते हैं अपने हाथों से, उस सीड को बिन बिन कर हम बाहर निकालते हैं, ठीक है। अब हम उसके बाद अलग अलग मशीन्स भी आती है जिससे हम लोग उसके हेयर को अलग कर सकते हैं। फिर क्या करते हैं, जो हम उसमें से हेयर को अलग करने के बाद जो छोटे लॉन्ग हेयर है, शॉर्ट हेयर है, सबको अलग करते हैं, छोटे वाले अलग रखेंगे, लॉन्ग वाले अलग रखेंगे, और उसको जो शॉर्ट लेंथ वाले होते हैं उनको लेटर्स बोलते हैं, वो एब्जॉर्बेंट कॉटन बनाने काम आते हैं। यानी उनका काम कब होता है, जो शॉर्ट हेयर वाले होते हैं उनका काम होता है जैसे कि हमको जो एब्जॉर्बेंट जो मलहम पट्टी में लगाते हैं, और लॉन्ग हेयर वाले का काम होता है वो कपड़े जो बनते हैं ना कॉटन के, आपको पता है लंबे लंबे धागे होते हैं कॉटन के धागे, तो कॉटन के धागे से लंबे वाले जो धागे होते हैं उसका काम वहाँ होता है और छोटे वाले का वहाँ होता है, ठीक है। आगे बात करेंगे, जो लॉन्ग हेयर होता है उसको हम लोग कपड़े बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब उसको क्या करते हैं कि हम उस पर जो उस पर सारी जितनी उसकी इम्प्योरिटीज़ होती है उसको डिजॉल्व करके सोलूशन में उसको निकाल लेते हैं। इसको क्या करते हैं, एक मशीन होती है जिसको कॉटन ओपनर, उसमें क्या करते हैं, मशीन में हम 10-15 घंटे के लिए डाल देते हैं, उसके अंदर सोडा सोलूशन होता है, सोडा एज सोलूशन होता है, और 10 कुछ प्रेशर क्रिएट करके हम डाल देते हैं कि उसके अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है, फैटी मटेरियल है, वो डिजॉल्व हो जाए। और उसमें क्या होता है कि जो फैक्स है, वेटी मटेरियल है, कलरिंग मटेरियल है, वो सारे इस ट्रीटमेंट से रिमूव होकर बाहर निकल जाते हैं। फिर अगले स्टेप में क्या करते हैं, हम उस कॉटन को निकालते हैं, वॉश करते हैं, उसको धुलते हैं, फिर ब्लीच करते हैं ताकि उसका पूरा जो भी कलर धब्बा वो निकल जाए, वो क्लीन हो जाए। उसको फिर वाटर से वॉश करके ड्राई करते हैं, और ड्राई करने के बाद उसको सीड्स के फॉर्म में हम लोग इसको ऑब्टेन कर लेते हैं, ठीक है। अब बात करें थोड़ा सी मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ की, जो कॉटन होता है उसकी क्या मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, तो उसका साइज़ जो उसके रूट, उसका हेयर का साइज़ होता है वो 2.5 से लेकर 4.5 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, या 25 से 35 माइक्रोन उसकी चौड़ाई मोटाई हो सकती है। शेप देखा जाए तो सिलेंड्रिकल होते हैं, लेकिन यंग में, लेकिन बाद में ये फ्लैटेंड हो जाते हैं। कलर तो देखिए वैसे वाइट होता है क्योंकि इसमें ब्लीचिंग करके हम इसको साफ कर देते हैं। ऑर्डर, इसका ऑर्डरलेस है, कोई महक नहीं होती, टेस्ट भी कोई महक टेस्टलेस है। और एक्स्ट्रा फीचर की बात करें तो उसमें जो होता है वो उसका जो अपीयरेंस होता है वो सॉफ्ट होता है, फिलामेंटस होता है, उसको हल्के हमल हाथों में लोगे तो बहुत हल्का लगेगा आपको, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपके सामने है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका रिप्लाई दीजिएगा कि अगर हम एक तरफ 1 किलो रुई ले लें और दूसरे हाथ में 1 किलो लोहा ले लें तो आप बताओ ज़्यादा भारी कौन लगेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन कि अगर एक हाथ में हम 1 किलो रुई रखे हैं और दूसरे हाथ में 1 किलो लोहा रखे हैं तो बताइए ज़्यादा भारी कौन सा लगेगा। आपके दिमाग का टेस्ट है, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में ट्राइकोम्स, यूनिसेलुलर होते क्या होते हैं, ये सब ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिख रहा है। केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, इसमें 90% तो सेलुलोज होता है, कॉटन में 90% सेलुलोज होता है। इसके साथ साथ 7 से 8% मॉइस्चर यानी वाटर होता है, 0.4% वैक्स फैट ऑयल्स होते हैं, 0.6% करीब उसमें प्रोटोप्लाज्म होते हैं, 0.2% ऐश होते हैं, बाकी इसके अलावा कुछ और भी इम्प्योरिटीज इसमें मिली होती है।
अब हम बात करेंगे केमिकल टेस्ट का। हमें कुछ भी फाइबर मिल जाए तो उस फाइबर को हम देखकर कैसे पहचानेंगे कि हमारा नेचुरल कॉटन है कि नहीं। तो ऐसे किसी भी चीज़ को पहचानने के लिए हम लोग आइडेंटिफिकेशन टेस्ट का यूज़ करते हैं, जिसे बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। तो उसमें पहला है स्पेसिफिक टेस्ट क्या है। सबसे पहला टेस्ट क्या है कि आप कॉटन फाइबर ले लो, उसको क्या करो 0.20 या फिर N50 आयोडीन सोल्यूशन बना के उसमें रख दो, उसको ड्राई करो। उस पर क्या करो फिर 5 ml क्या डालो, 80% डालो सल्फ्यूरिक एसिड। और ट्राइकोम में क्या होगा, धीरे धीरे ट्राइकोम का कलर क्या हो जाएगा, पर्पस ब्लू हो जाएगा। क्यों होता है ब्लू, क्योंकि जो हमारा ये सोल्यूशन है वो स्टार्च के साथ रिएक्शन करके ये कलर, सेलुलोज के साथ रिएक्शन करके ये कलर देता है। अगर उसमें सेलुलोज है मतलब वो कॉटन है, तो इससे क्या होगा हमको पता चल जाएगा। दूसरा टेस्ट उसको बोलते हैं कोक्सम टेस्ट। इसमें क्या होता है कि हम जो कॉटन के फाइबर्स होते हैं उसको लेते हैं, उसको अमोनिकल कॉपर ऑक्साइड के सोल्यूशन में, जिसको कोक्सम रिएजेंट भी बोलते हैं, तो उस रिएजेंट में क्या करते हैं उसको डिजॉल्व कर देते हैं। और डिजॉल्व करने के बाद क्या करते हैं हम, क्या करते हैं छोटे छोटे बैलून्स का फॉर्मेशन करते हैं। और क्या करते हैं कि जिसमें कॉटन को डिजॉल्व रहता है उसमें यूनिफॉर्म धीरे धीरे स्वेलिंग आती है। मतलब अगर वो डिजॉल्व हो गया, अगर वो प्योर कॉटन है तो उसमें स्वेलिंग आएगी, वो ऊपर उठेगा, और अगर प्योर कॉटन वो नहीं है तो उसमें स्वेलिंग नहीं आएगी। इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर तीसरा टेस्ट है कि कॉटन को ले लो और डाइल्यूट सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन में डाल के और HCl में डाल के उसको डिजॉल्व करो। अगर वो इनसॉल्युबल रहा इसका मतलब वो कॉटन है, अगर वो घुल गया मतलब वो कॉटन नहीं था। और इसी तरह चौथा टेस्ट है कि कॉटन को क्या करिए, 80% कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन लीजिए, उसको डिजॉल्व करिए, फिर उसके बाद आप ये सब डालिए, यही सब आपको देख के टेस्टिंग फॉर्म में आ गया होगा। तो यूज़ क्या है कॉटन का आपको पता ही है फ्रेंड, कि फिल्टरिंग मीडियम की तरह है, यानी कि इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह होता है। इंसुलेटिंग मतलब क्या, जहाँ पे कुछ चीज़ें गर्म लगती होती है वहाँ पे हम लोग कॉटन लगा देते हैं ताकि टेम्परेचर ना पास हो और चीज़ें ठंडी रहें। एब्जॉर्बिंग कॉटन होता है आपको पता है, म्यूकस पस या ब्लड सैंपल को एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरा हेम्प। हेम्प को हिंदी में अगर हम कहें तो शायद सनई कहते हैं। हेम्प भी आपने देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा होगा मैं बता दूं, पतले पतले रेसे होते हैं, देखिए स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको सनई आप जानते हैं, सनई गांव के लोग इसको सनई कहते हैं, इसके फूल आते हैं। तो इसी के हेम्प के जो प्लांट होता है ना, इसी प्लांट से पतले पतले बहुत धागे रेसे निकलते हैं, और उसी से मतलब क्या होता है अलग अलग प्रकार के जो होते हैं बनाए जाते हैं। आपको देखिए दिख रहा है ना, ये जो आपको रस्सी नुमा दिख रहा है पतले पतले धागे नुमा, ये सब कपड़े उपड़े जो थैले वगैरह ये सब हेम्प के ही बनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिनोनिम क्या, इसको किस और नाम से जानते हैं, इसको कैनाबिस इंडिका, इंडिका हेम्प, गांजा, मैरुआना, चरस के नाम से जानते हो। आपने देखा होगा प्लांट होता है ना गांजा चरस भांग वाला, उसी के प्लांट से इसको भी निकाला जाता है हेम्प को, ठीक है। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है हेम्प को, कि इसको कैनाबिस सैटिवा से मिलते हैं, फैमिली कैनाबिनेसी है। कल्टीवेशन कैसे करते हैं कि इसमें क्या होता है, इसके पहले प्लांट को पूरी तरह से हम ड्राई करके सुखवा लेते हैं, और उस पर कैनाबिस को तीन कैटेगरी में हम लोग कैटेगरी है अलग अलग बांटते हैं। इंडस्ट्रियल हेम्प है और एक अलग है, ये इसको देख लीजिए। तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या होता है इसमें, बेसिकली तीन चीज़ें हैं बेसिकली। तो इसमें देखा जाए तो 70% तो सेलुलोज है, क्योंकि जितने भी फाइबर होते हैं उसमें सेलुलोज ज़्यादा होते हैं, और कुछ एवरेंट पर लिग्निन होता है 8-10%, लेकिन उसके अलावा पेक्टिन है, फैट वैक्स है, मिनरल है, ये सब भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। यूज़ किया आप देख रहे हैं थैले बनाने में, बैग बनाने में, कपड़े बनाने में, फिल्टर बनाने में, इस सब में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। आपके सिलेबस के हिसाब से तीसरा है जूट, ये लास्ट है फाइबर। तो जूट की बात करें तो उस पर सिरोनिम इसको गनी भी बोलते हैं। आप देख रहे हैं, आपने कभी सुतली देखा है, सुतली जिससे आप लोग देखते हैं बोरी वोरी बांधते हैं, या बोरी जिससे बनी होती है, बोरा बोरी, तो उससे आप घरों में रस्सियाँ भी बनती हैं, तो वो सुतली जो है वो जिस प्लांट से मिलता है उसको जूट बोलते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है ये, इट इज़ द कंसिस्ट ऑफ फ्लोएम फाइबर्स फ्रॉम द स्टेम ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ क्रोनक्रस, ठीक है। क्रोनकस के अलग अलग स्पीसीज से मिलता है, जैसे कि अगला है क्रोनकस कैप्सुलरिस लिन, क्रोनकस अल्टोरियस, क्रोनकस सिनी गमैली एंड क्रोकस जुनोडी। इसमें से कोई एक फैमिली आप याद कर लीजिएगा जो आपको आसान लगे। इसकी फैमिली होती है टिलियासी, इससे ये मिलता है। तो जूट देखिए आपको दिख रहा है, सुतली आपको सामने दिख रहा है, कैसे करते हैं ये पूरा पूरा जो स्टेम होता है ना तना, उसको पानी में भिगा देते हैं और ये उसको पतले पतले रेसे निकलने लगते हैं और उसी रेसे को ऑब्टेन करते हैं। कैसे बनाते हैं जूट है? जियोग्राफिकल सोर्स बेसिकली कहाँ मिलता है, ये वेस्ट बंगाल और आसाम में, भारत में हमारे पश्चिम बंगाल और आसाम के साइड में ये ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, और वहीं से ये पूरी जगह सप्लाई किया जाता है। थोड़ा डिस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं, कैसे पहचानेंगे, ये बेसिकली टॉल होते हैं, यूजुअली एनुअल हर्ब्स होते हैं, यानी कि एक वार्षिक पौधा है, एक बार लगाओगे तो साल भर इसकी खेती आप इसको काट सकते हो। दूसरा ये होता है, ये 2-4 meters लंबे होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, और अगर इसमें ब्रांच्ड होते हैं तो इसमें ब्रांच बहुत छोटे निकलेंगे और कुछ ही निकलेंगे, अदरवाइज ये अनब्रांच्ड होते हैं। इनकी जो पत्तियाँ होती है वो अल्टरनेट सिंपल लैनिकुलेट होती हैं, 5-15 centimeters की लेंथ होती है, और इसके साथ साथ वो फाइनली स्कैटर्ड होती हैं। दूसरी बात करें, इनके जो फ्लावर्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, और जो फ्रूट होते हैं वो उसमें कैप्सूल के अंदर फ्रूट्स लगे होते हैं।
ठीक है। जूट कैसे प्रिपेयर करते हैं, देखिए क्या करते हैं फ्रेंड, ये जो प्लांट होते हैं लंबे लंबे ना, इस पूरे प्लांट को पानी में भिगा देते हैं काफ़ी लंबे समय तक, फिर वो सड़ते रहते हैं और उसमें से फाइबर्स जो होते हैं बाकी मटेरियल निकलते रहते हैं और सेलुलोज जो होता है लंबे लंबे धागे नुमा निकलता रहता है। देखिए कैसे बनाते हैं, इसमें क्या करते हैं कि रटिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या करते हैं कि हम बड़े बास्ट फाइबर्स का निर्माण करते हैं। इसमें तीन मेथड होता है, एक माइक्रोबियल मेथड है, माइक्रोबियल इसमें लोयल वाटर मेथड कहते हैं, दूसरा स्टीम मेथड है और तीसरा मैकेनिकल प्रोसेस है, ठीक है। तो माइक्रोबियल मेथड सबसे सिंपल मेथड है फ्रेंड, उसमें क्या होता है कि पूरे के पूरे लकड़ी को यानी इसके तने को पानी में डाल के इसको भिगाया जाता है। तो माइक्रोबियल वाटर रेटिंग प्रोसेस में क्या होता है कि इसमें ये सबसे पुराना और प्राचीन मेथड है। इसमें क्या करते हैं कि हम पानी में इसको भिगाते हैं जिससे इसके लिग्निन की ब्रेकिंग होती है और पैरेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा के बीच में जो लिग्निन की लेयर होती है वो डिजॉल्व होकर बाहर निकल जाती है और फिर सेलुलोज के लंबे लंबे धागे ही केवल हमको मिलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ठीक है कैसे करते हैं आगे, फिर जो मटेरियल बचता है उसको वॉश करते हैं, ड्राई करते हैं, उसमें पेक्टिन बॉन्ड को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमको लास्ट में 1 से 4 मीटर लंबे फाइबर्स मिल जाते हैं। फिर माइक्रोस्कोपिक मतलब कि प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसमें थिन ट्रांसवर्स सेक्शन होते हैं, स्टैंड होते हैं, ये सब इसको आप आसानी देख ले सकते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें, मैंने कहा कि जितने भी फाइबर्स होते हैं मैक्सिमम उसमें सेलुलोज होता है, कुछ लिग्निन होता है, इसमें 50 से 53% सेलुलोज है और 20% करीब इसमें हेमी सेलुलोज है, लिग्निन करीब 12 से 13% है, वाटर सॉल्युबल मैटर जो है वो करीब 1.5% है, फैट और वैक्स करीब 1% के आसपास इसमें होता है। यूज़ क्या है देख लीजिए, आपके सामने यूज़ लिखा है भाई, सब थैला बनाने में, झोला बनाने में, कपड़े बनाने में, रस्सी बनाने में, फिल्टर बनाने में इसको काम आता है। तो ये आपके सामने सारे जो भी लिखे हैं, ये देखिए ना, अब जो कुर्सियों के आजकल देखिए आपने फैशनेबल कुर्सी देखा होगा, जो खटिया होता है, खटिया का जो बंदा बनाते हैं चारपाई, उस पर जो बात होता है, वो सब तरह के चेयर, सोफा, कुर्सी, ये सब चीज़ बनाने में काम आता है। आपके सामने लिखा है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा, ढेर सारे कुछ एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल दिख रहे हैं आपको कैसे क्या क्या है, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारा यूनिट 5 के लेक्चर नंबर 1 था फाइबर्स के बारे में। हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कुछ अलग, जैसे कि एलर्जन है, टेरेटोजन है और हेलोसिनोजन है, इनकी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट की, यानी 2 से 3 लेक्चर में हम यूनिट 5 को ख़त्म करेंगे। तो जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब आप दीजिएगा, बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।